हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हमारे पास एक फ़ोन है सैमसंग का, सैमसंग A12। और A12 में दो तीन वर्जन आता है, तो सबसे पहले आप वो चेक करना। तो मैं बता दूं, जो हमारे पास में फ़ोन है इससे देख सकते हो, इसमें फारपी लॉक है और ये जो मॉडल है हमारा A125F है। ठीक है, ध्यान देना आपको इस चीज़ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें A127 भी आते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जो मेरे पास में सैमसंग A125F है, A125F, ठीक है, कंफर्म जब तक आप ना हो तब तक काम ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिकवरी मोड में जाके आपको देख लेना है कि आपके पास में जो A12 है वो 125 है या 127 है। अगर आपके पास में A125 है तभी ये प्रोसेस यहाँ पे फारपी कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रन करना होगा UMT का जो सेटअप अपना है, UMT सैमसंग सेटअप। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास UMT डोंगल होना चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, और ये UMT सैमसंग का सेटअप ओपन होने के बाद में इस तरीके का आएगा, जिसका भी वर्जन 0.7 ही है सबसे लेटेस्ट में। ठीक है, इसके बाद में आपको जाना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, फ़ोन को ऑन करके PC के साथ कनेक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद में आपको जाना है टूल्स के अंदर में। ठीक है, और यहाँ पे आप देखना है FRP रीसेट जो आपको नीचे में लिखा हुआ है, टूल्स में जैसे नीचे आओगे यहाँ पे जो आपको मेथड सेलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, टूल्स में आने के बाद में इस पर जाना है और सबसे नीचे आना है MediaTek FRP पर। ठीक है, MediaTek FRP के आने के बाद नीचे देख सकते हो कि ऑलरेडी है ऑल MediaTek 2023 पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको सिंपली रीसेट FRP कर देना, फ़ोन को ऑन मोड में रहने देना, कुछ डाउनलोडिंग मोड में लेके नहीं जाना, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है इसमें हमें देखना कि हमारा मॉडल कौन सा है, तभी ये आपको काम करना है। ठीक है, 127 पे आप ये काम मत करना। ठीक है, और जो भाई हमारे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देख सकें और हमसे कुछ आप सीख सकें। ठीक है, तो देखिए ये फ़ोन डाउनलोड मोड में ऑटोमेटिकली आ चुका है, फिर से दोबारा ये डाउनलोड मोड में कनेक्ट होगा और फिर से एक बार और री डाउनलोड मोड में ये खुद लेके जाता है, और उसके बाद में वन क्लिक गेम ओवर। ठीक है, देख सकते हो कि इसने चिपसेट को फाइंड कर लिया कि हाँ इसके अंदर में MediaTek का CPU लगा हुआ है, और ये दोबारा में क्या करेगा, फिर से कनेक्ट होता है और रीसेट FRP करके क्लियरली ये फ़ोन को ऑटोमेटिकली से रिस्टार्ट कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो फ़ोन का FRP है वो सक्सेसफुल यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब ये ऑन होने में समथिंग टाइम, आपको जो नॉर्मल फ़ोन बूटिंग होने में टाइम लगता है, जैसे रीसेट नहीं, क्योंकि हमने इस फ़ोन को अभी रीसेट नहीं करा, ओनली FRP निकाला, तो ज़्यादा टाइम ही आपको ऑन होने में नहीं लगेगा, बस 1 से 2 मिनट में ये फ़ोन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फ़ोन ऑन होने का वेट करेंगे और स्किप करेंगे। इसके लिए दो चीज़ होना चाहिए आपके पास, सैमसंग USB ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए और UMT डोंगल होना चाहिए, आप इजीली इस काम को कर सकते हो वन क्लिक में। ठीक है, देखिए पहले एसेबिलिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा था सबसे नीचे में, इसमें एसेबिलिटी का ऑप्शन आ चुका है और स्टार्ट भी लिख के आ चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, और जैसा कि पहले इसके आगे मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, फिर इसके बाद ये स्किप नहीं हो रहा था। ठीक है, अब देखेंगे स्किप होता है कि नहीं। ठीक है, स्किप पे मैंने क्लिक करा तो आप देख सकते हो ये चेकिंग फॉर अपडेट, इसके अंदर में इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, इस चलते ये थोड़ा समय लगाएगा। तो क्या करते हैं, सिम कार्ड हम इसका निकाल देते हैं ताकि ये ज़्यादा टाइम ना ले। मैं इस फ़ोन के अंदर से इसका सिम कार्ड निकाल लूँगा, नहीं तो ये बहुत टाइम से लगाएगा अपडेट होने में। इसका सिम ट्रे निकालना पड़ेगा, हार्ड हो चुका है लगता है, कोई चीज़ से चिपक गया है ये। इसका सिम जैक के अंदर में शायद कुछ चला गया है, कस्टमर क्या पता नहीं कुछ किया, बहुत हार्ड है, तो इसे हमने निकाल लिया ब्लेड की सहायता से। अब क्या है, ये इजीली स्किप हो जाएगा क्योंकि नेट यहाँ पे आज बहुत स्लो है, नहीं तो मैं वाईफाई कनेक्ट करके नेक्स्ट करके आपको दिखाता, बट आज इंटरनेट बहुत ही स्लो है। तो देख सकते हो कि पहले नेक्स्ट नहीं हो रहा था, कुछ लिख के आ रहा था, अब ये नेक्स्ट भी हो चुका है, स्किप करूँगा सारा।
और सक्सेसफुली यहाँ से हमारा फ़ोन का जो FRP है रिमूव हो चुका है। बस हमें सेटअप्स करना है और फ़ोन को कंप्लीट सेटअप करके होम पेज पे चले जाना है, स्वाइप अप करना है, ओके कर देना है, नेक्स्ट करना है, लेटर करेंगे और ये फ़ोन हमारा कम्प्लीटली यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार आपको इसका मॉडल मैं दिखा देता हूँ। अबाउट फ़ोन में चलेंगे, ठीक है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आ जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेसमेंट वर्जन में 125 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको मॉडल कन्फर्म हो चुका है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।